का नाम पड़ा स्वामी मनु। और इन स्वामी मनु ने अपनी पत्नी सतरूपा के साथ में इनके पांच संतान पैदा हुए, जिनमें तीन लड़का दो लड़कियां और तानपाद और प्रियव्रत जो लड़का पैदा हुए थे, पुत्र पैदा हुए थे महाराज के घर। तो ये प्रियव्रत राजा बने हैं, लेकिन एक बार देवर्षि नारद का वन में प्रियव्रत को उपदेश प्राप्त हो गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इन प्रियव्रत को उपदेश कब मिला? बोले प्रियव्रत को उपदेश उस समय मिला जब प्रियव्रत ने एक दिन शिकार खेलते समय एक हिरण का वध कर दिया। और जब हिरण मर गया तो प्रियव्रत के सामने नारद खड़े हो गए। बोले महाराज, तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दी, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी कराओगे। बोले आपकी इच्छा क्या है नारद? बोले हमारी इच्छा यह है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा जान डाल दो, हम ये चाहते हैं। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे। बोले पागल हो नारद, भैया हम मार तो सकते जिंदा, हम कैसे कर सकते, ये काम मेरा कहां है। तो नारद ने प्रियव्रत से बहुत अच्छी बात कही, महाराज सुन, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल रहे हो तो झोली फाड़ने का अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हो तो उसे गलत रास्ता बताने का अधिकार कैसे हो गया? अगर प्यासे को तुम पानी नहीं पिला रहे हो तो उसे तड़पा तड़पा कर मारने का अधिकार कैसे हो गया? तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, माफ करना देवर्षि नारद, भूल हो गई, आज के बाद हम जीवधारियों का वध नहीं करेंगे, और वध किया अब हम राज्य ही नहीं करेंगे, अब तो हम सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। छोटे भैया को राजा बनाया और खुद महात्मा बने और ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए भजन करने। ये भजन होता क्या है? भजन कहते किसे? भजन की परिभाषा क्या है? देखो, ये भजन, एक विद्वान ये कहता है कि ये भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी है, यानी भजन 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 यानी भजो नहीं जाओ वहीं बने रहो, वो भी तो एक भजन है। वो एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला, कैसा माला।